हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है दोस्तों, टफनेस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, काफी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपके जितने भी इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स है, चाहे वो बीटेक लेवल का हो, डिप्लोमा हो, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज या जेई एई और एसएससी जेई, दोस्तों ये यहाँ पे काम आने वाली है। अब एक बात का ध्यान रखना, जितनी भी मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई है मटेरियल की, वो या तो आपसे इंटरव्यू में काफी बार पूछी जाएगी या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स में जो है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहां पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। बाकी आपको जेई एई लेवल या एसएससी जेई लेवल के पेपर्स में भी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने अदर जितनी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज थी उसके ऊपर जो वीडियोस आई है, चाहे वो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी हो, ब्रिटलनेस हो, उन सबको नहीं देखा है तो आपको जाकर के देख लेना चाहिए। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, वहां पे आपको क्रोनोलॉजिकली लाइन वाइज जो है सभी इम्पॉर्टेंट जो वीडियोज है दोस्तों वो सब मिल जाएगी। और दोस्तों, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक करिएगा, वहां पे आपको इम्पोर्टेंट बुक्स मिल जाएगी जो कि सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने में काफी हेल्पफुल होगी, जिनसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है और काफी एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं, ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, भविष्य में आपको इन सभी पेजेस पर और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर तो काफी सारा जो है सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों टफनेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टफनेस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों किसी भी मटेरियल की, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों और किन सर्कमस्टेंसेस में जो है टफनेस की प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हमको समझना होगा। तो टफनेस क्या है, एक तरीके से रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट फ्रैक्चर। क्या होता है, इट इज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रैक्चर। तो दोस्तों, जैसे आपने कोई बॉल देखी होगी, बॉल, ठीक है, हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट की जो बॉल होती है उस बॉल के ऊपर कितनी बार मारा जाता है लेकिन फिर भी वो टूटती नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है बहुत वक्त बीत जाता है क्रिकेट खेलते खेलते, बहुत टाइम हो जाता है। मान लो ये एक टेनिस बॉल है, तो जब इसकी खूब पिटाई हो चुकी होती है तो उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसके बाद में ये बिल्कुल इसके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, ठीक है, थीके? ये बिल्कुल टूट जाती है, रप्चर हो जाती है इसकी, उस टाइम पे फेलियर हो जाती है पूरी तरह से। तो जब तक तो इस तरीके से जो है ये जो बॉल थी उसको डिजाइन किया गया था, ठीक है, जो दोस्तों ये गेंद थी इसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसकी जो है इसके ऊपर कितने ही प्रहार हो, इम्पैक्ट हो इसके ऊपर, इसकी जो है फेलियर ना हो, ठीक है, जितना लंबे टाइम तक हो सकता है इतने लंबे टाइम तक कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे एक तरह से एक साइक्लिक फिनोमिना हो जाता था, ठीक है, कि बार बार उस बॉल से आप खेल सकते थे और फिर बॉल की खूब पिटाई होती थी और फिर उसके बाद में जो है बॉल जो है बहुत टाइम बाद खूब क्रिकेट खेल लिया आपने उसके बाद जाके फटती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जो है बहुत सारी ये जितनी भी ऑटोमोबाइल्स आप देखते हो, चाहे वो कार हो, चाहे आप बाइक देख लो, तो इनके अंदर जो इंजन होता है उसमें जिस तरह से सिस्टम होता है जिसमें कुछ रोटेटिंग डिवाइसेस होती है, या फिर टर्बाइन देखते हो आप, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन्स देखते हो बड़ी बड़ी, वो बहुत सालों सालों तक चलती है, ठीक है, वो कभी क्रैक नहीं होती है, ठीक है, उनकी कभी फेलियर नहीं होती है, आपने ये सब देखा होगा। तो इनको इस तरह से प्रॉपरली डिजाइन किया जाता है कि उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है उसकी जो टफनेस होती है वो टफनेस जो है बहुत ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अब टफनेस एक्चुअली में दोस्तों अगर कहा जाए तो ये एक तरीके की एक स्ट्रेन एनर्जी होती है, ये इसकी
एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है मटेरियल की, ठीक है। अब हम मटेरियल की चूंकि बात कर रहे हैं, इसलिए मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। तो हर मटेरियल की जो है उसकी एक एब्जॉर्ब करने की, पिटने की क्षमता होती है एक तरीके से समझ लो आप, तो यही एक तरीके से टफनेस होती है। तो टफनेस क्या है, टफनेस इज रेजिस्टेंस होता अगेंस्ट फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर जो है उसमें हो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है इस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर जो है डेवलप होता है, उसी को टफनेस कहते हैं। सो इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इंपैक्ट फ्रैक्चर। इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट करना इसका काम होता है प्रिवेंट करना इंपैक्ट फ्रैक्चर को जो है रोकना, इसका मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट करना इंपैक्ट फ्रैक्चर को, ठीक है, ये इसका काम होता है। सो टफनेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टफनेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी तो ये गेंद और बल्ले वाला एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये इससे जो है काफी आसानी से समझ में आ जाता है कि टफनेस क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है आप समझ पा रहे होंगे कि टफनेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, इस पे फोकस करें यहां पर, टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ मेटल। तो जब किसी भी इंडस्ट्री में कोई या कोई भी ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट जैसे तैयार किया जाता है, तो उसकी जो है एक स्ट्रेन एनर्जी को जो है बढ़ाया जाता है दोस्तों। जब स्ट्रेन एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसकी जो टफनेस की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। तो जब टफनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसकी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, और वो जो बॉडी होगी वो जो भी, चाहे वो ऑटोमोबाइल की मशीन हो या कुछ भी हो, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर उससे। तो इस तरह से डिजाइनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, टफनेस की। तो टफनेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ मेटल बिफोर फ्रैक्चर, ठीक है। इफ गिवन एनर्जी एक्सीड्स टू टफनेस, देन फ्रैक्चर विल अकर। It is equal to total area under load deflection. Curve up to fracture point. आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो टफनेस की। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे टफनेस की, और टफनेस जो है इक्वल होता है टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी।
किसके बराबर होता है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी के इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ मेटल। अब मान लो कोई भी मेटल है या कोई भी मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है, मान लो ये है कोई मेटल मटेरियल, तो इसको कितने ही मतलब इसकी जो है स्ट्रेन एनर्जी की एक लिमिट होगी, देखो हर एक चीज की, ठीक है। मैंने जैसे बात की थी ना गेंद की, तो गेंद को जितनी बार पीटा आपने, ठीक है, तो इसकी एक लिमिट थी, एक पर्टिकुलर लिमिट थी। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, टोटल स्ट्रेन एनर्जी की लिमिट, तो उसके बाद में जो है फ्रैक्चर हो जाती है उसमें। तो टफनेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ मेटल बिफोर फ्रैक्चर। इफ गिवन एनर्जी एक्सीड्स टू टफनेस देन फ्रैक्चर विल अकर। अगर टोटल एनर्जी जो है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, अगर जो टफनेस का लेवल है, जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या किसी भी मटेरियल की, तो उसके बियॉन्ड जब चली जाती है, एक्सीड कर जाती है उसकी टफनेस के, देन फ्रैक्चर विल अकर। और इट इज इक्वल टू टोटल एरिया, इट इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व, ठीक है। तो ये लोड डिफ्लेक्शन कर्व यहां से पे एक इंपॉर्टेंट चीज आई है, जिससे हम पता करते हैं किसी भी मेटल की जो है टफनेस कितनी है। तो दोस्तों उसका लोड डिफ्लेक्शन कर्व जो है कुछ इस तरह से प्लॉट किया जाता है। अगर आपने डेफिनेशन नहीं लिखी है तो आप लिख लीजिए इस डेफिनेशन को, और मैं यहां पे रब कर देता हूं इसको ऊपर से, ठीक है। तो आप यहां पे देखो, हम एक कर्व बनाते हैं, लोड वर्सेस पी वर्सेस डेल्टा कर्व बनता है ये, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन कर्व। या तो आप लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन बनाते हो दोस्तों यहां पे, या फिर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व भी बनता है यहां पे, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व भी बनता है यहां पे टफनेस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, टफनेस को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें जो हम कर्व बनाएंगे दोस्तों, अगर देखिए यहां पे, तो अगर हम कर्व बनाएंगे और वो कर्व इस तरह से है, यूं करके इस तरह से, ठीक है, और ये कोई जो है फेलियर या फ्रैक्चर पॉइंट है, ये है फेलियर पॉइंट, ठीक है, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। तो इसको कहते हैं कि मान लो ये है फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पे जाकर के मटेरियल जो है वो फेल हो जाती है फ्रैक्चर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। या फिर अपन देखो एक माइल्ड स्टील का भी कर्व ले लेते हैं यहां पे, ये इस तरीके से, ये माइल्ड स्टील का कर्व है, तो ये हो गया फ्रैक्चर या फेलियर पॉइंट, ठीक है, ये फ्रैक्चर या फेलियर पॉइंट हो गया, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट कह सकते हो। तो इस कर्व के नीचे का जितना भी एरिया होता है, ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो एरिया यहां पे आपको दिख रहा है दोस्तों, ये एरिया जो है टफनेस को कैलकुलेट करने में काम आता है, ठीक है। तो ये जो है यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टफनेस जो होती है वो है स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, और वो उसकी कैलकुलेशन होती है इस कर्व से, पी वर्सेस डेल्टा का कर्व। अब देखो स्ट्रेन एनर्जी का जब आप फॉर्मूला पढ़ोगे तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा वर्सेस मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन, ये एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है, या सिग्मा स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ई भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये भी स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इनसे जो है हमको टफनेस का पता चल जाता है किसी भी मटेरियल की। आमतौर पर तो हम एज अ सिविल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हम यही सोचते हैं ना कि टफनेस जो है दोस्तों वो स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो कर्व है ये तो माइल्ड स्टील के लिए हो गया, माइल्ड स्टील का हो गया ये कर्व, ठीक है। और ये मान लो कोई जनरल कोई मटेरियल है उसका कर्व है, ठीक है, पी वर्सेस डेल्टा का। तो एक चीज बताता हूं आपको कि कुछ बुक्स में जो है ये टफनेस जो होती है, टफनेस पी वर्सेस डेल्टा के कर्व का जो ये एरिया होता है फ्रैक्चर पॉइंट तक का, उसको माना जाता है टफनेस, ठीक है, इसको तो क्या कहा जाता है, टफनेस कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो
क्वेश्चन होता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का, ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का, जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जब अपन कर्व ड्रॉ करते हैं तो इस पूरे एरिया को मॉड्यूलस ऑफ टफनेस भी कहा जाता है, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस ऑफ टफनेस जो होता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के कर्व का एरिया होता है उसको कहते हैं, और लोड वर्सेस डेल्टा, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन जो है वो उसे टफनेस कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सामने आती है और वो कुछ इस तरीके से और है। अगर देखें हम यहाँ पे तो टफनेस की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे पाई जाती है, किस तरीके के मटेरियल्स में पाई जाती है, जिन मटेरियल्स की डक्टाइल प्रॉपर्टी भी ज्यादा होती है क्या उनकी टफनेस की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है? तो बिल्कुल दोस्तों, जिनकी डक्टाइल प्रॉपर्टी ज्यादा होती है या प्लास्टिसिटी का जिनमें गुण ज्यादा होता है, जो ज्यादा जो है काफी टाइम तक जो है स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है, उन सभी मटेरियल्स की टफनेस की प्रॉपर्टी भी ज्यादा ही होती है, ठीक है। अब देखो ये जैसे कि कहां पे इसका यूज होता है, ठीक है, यूज कहां पे होता है, टफनेस की प्रॉपर्टी की बात करें हम तो टफनेस की प्रॉपर्टी का यूज जो है वो कहां पे है मेनली, अगर देखें तो जहां पर साइक्लिक और शॉक लोडिंग का फिनोमिना देखने को मिलता है, साइक्लिक और शॉक लोडिंग का जहां पे फिनोमिना जो है हमको देखने को मिलता है दोस्तों, वहां पर टफनेस की प्रॉपर्टी काफी यूजफुल होती है। साइक्लिक और शॉक लोडिंग का फिनोमिना जो होता है, जहां पर आप देखोगे लग्जरियस कार्स होती है या जितनी भी कार्स होती है उन सब में जो है कुछ साइक्लिक फिनोमिना होता है अंदर, ठीक है, या फिर टर्बाइन होती है, ठीक है, तो वहां पे भी साइक्लिक फिनोमिना होता है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल भी कोई फेलियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फ्रैक्चर में फेलियर नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्चर का मतलब होता है छोटा सा कट आ जाना, अगर कट छोटा सा आ गया तो फिर वो कट बढ़ता जाएगा और पूरी की पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल फट सकती है, इस वजह से जो है उसमें फ्रैक्चर ना आ पाए इस तरह से डिजाइन किया जाता है टफनेस में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टफनेस का कंसेप्ट जो है काफी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है टफनेस को लेकर के तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सिविल इंजीनियर्स को फायदा पहुंच सके इन सभी वीडियोस का। चलिए दोस्तों वीडियो को अभी एंड करते हैं, वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।